नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक मिरर। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद ही खास मेहमान। ये मेहमान हैं लद्दाख से नव निर्वाचित एमपी मोहम्मद हनीफा जान जी। हनीफा जान जी इंडिपेंडेंट चुनाव जीत कर आए हैं और इस वक्त दिल्ली में हैं। वो दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से मिले हैं और लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दे दिया है, तो उनसे हम सीधा बात करते हैं। क्या आप कांग्रेस में शामिल हो गए हैं या अभी बातचीत चल रही है? किसी पार्टी में शामिल होना जो है वो हमने किसी पार्टी में शामिल नहीं होना है, क्योंकि हमने लद्दाख के जो यूनाइटेड होके मुझे आगे किया है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे, तो उसी हिसाब से एज इंडिपेंडेंट मुझे रहना है। हाँ, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करे या ना करे अभी उस पर हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। हमने खड़गे जी से और राहुल जी से मुलाकात की, उमर अब्दुल्ला से भी हमारी मुलाकात हुई। हमने जिस मुद्दे पर जो लद्दाख के जो मुद्दे हैं, जो पिछले 4-5 सालों से जो पूरा लद्दाख जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उस मुद्दे के ऊपर हमने इलेक्शन लड़के जीत के आए हैं, तो वो मुद्दे और लद्दाख के आवाम जो पिछले 4-5 सालों में जो परेशानियां वो झेल रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को लेके वो लोग बहुत परेशान हैं, उन सारे चीज़ों को हमने राहुल जी के सामने, उमर साहब के सामने हमने रखी है। अब देखते हैं कितना और किस हद तक वो हमारे इस मुद्दों को सपोर्ट करते हैं और उनका रिस्पांस क्या है वो आने वाले दिनों में। मतलब फिलहाल आपने इंडिपेंडेंट रहने का ही फैसला लिया है? नहीं, इंडिया गठबंधन को अगर हमने सपोर्ट करना है तो हमारे जो मुद्दे हैं जो हमने उनके सामने रखा है उस पर वो लोग कितना हमें हमारे उस मुद्दों को कितना सपोर्ट करेगा अभी वो आने वाले दिनों में वो पता चलेगा। लेकिन सरकार तो एनडीए की है, तो क्या एनडीए के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से भी आपकी मुलाकात हुई है? मुलाकात जो है वो चूंकि एनडीए गवर्नमेंट में है, तो गवर्नमेंट तो पूरे देश का, जब गवर्नमेंट बनती है चाहे किसी पार्टी का भी गवर्नमेंट बने वो पूरे देश का गवर्नमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर जी है इस वक्त, वो पूरे प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे देश के आवाम का प्राइम मिनिस्टर है। तो जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी हमारे परेशानियां हैं, चाहे डेवलपमेंटल इश्यूज हो, हर चीज़ के लिए हमने गवर्नमेंट के साथ जो एक अपना रिश्ता है वो साइड बाई साइड रिश्ता कायम रखना है। तो आने वाले दिनों में उनसे भी मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने की, होम मिनिस्टर साहब से मिलने की, क्योंकि लद्दाख का जो मुद्दा है खुसूसन जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनको बखूबी अलम है, क्योंकि कई बार के टॉक्स जो है होम मिनिस्ट्री से हमारी हुई है। तो उनके सामने जाके जो चीज़ें लद्दाख का हालात है वो उनके सामने रखनी है, और उम्मीद भी हम रखते हैं क्योंकि इस बार जिस तरह के लद्दाख के आवाम ने जिस चीज़ के लिए मैंडेट दिया है, तो आवाम का इज्जत, आवाम का एहतराम तो रखना तो गवर्नमेंट का भी ये है। तो इंशाल्लाह जो 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 मैसेज आवाम ने दी है उस मैसेज को, उस हालात को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है गवर्नमेंट के सामने हमें रखनी है। इस बार का जो चुनाव था उसमें आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को हराया है, तो इस जीत को आप कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? मेरे लिए नहीं, पूरे जो जो हमारे जो ग्रुप है, हम लोग खास कर करगिल साइड से, पूरे करगिल के आवाम जिसमें हर मजहब के मानने वाले लोग थे, हम सब यूनाइट होके हमने इस इलेक्शन को लड़ा, और प्योरली हमने लद्दाख के इश्यूज के नाम पे हमने इलेक्शन लड़ा, और लद्दाख के अभी तक के जितने भी एमपी जीते हैं इतनी मार्जिन से कभी नहीं जाते, तो बहुत ही एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें मार्जिन से हमको जीत मिली है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी। जो वहाँ सिटिंग एमपी थे उनको जब टिकट नहीं मिला तो लास्ट मोमेंट में कांग्रेस में शामिल हो गया और फिर कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, तो आप ये मानते हैं कि इंडिया ब्लॉक ने उनको टिकट देकर एक गलत फैसला लिया? नहीं नहीं, पहले लास्ट एमपी को कांग्रेस ने मैंडेट नहीं किया, कांग्रेस ने अपने पार्टी के बहुत ही सीनियर एक लीडर को उन्होंने ये दिया, मैंडेट दिया। बीजेपी के जो एमपी साहब थे, जो फॉर्मर एमपी साहब थे,
वो अपनी पार्टी के लिए ही उन्होंने प्रचार किया, मगर उनको मैंडेट नहीं दिया, उनको साइडलाइन किया गया, क्योंकि लद्दाख के जो आम है वो उनके अगेंस्ट चला गया। जिस तरह से पिछले 5 साल उन्होंने जब संसद में लद्दाख के आवाम की आवाज को वहाँ पे बुलंद नहीं किया, तो आवाम जो है नाराज रहे वहाँ पे। सोना मांचू जी और एपेक्स और केडीए दोनों काफी दिनों तक अनशन पे रहे, वहाँ पे उनका कोई हालात जानने के लिए वो नहीं गए, तो लोगों का जो है नाराजगी और गुस्सा उनके ऊपर था, तो पार्टी ने उनको मैंडेट नहीं दिया। लेकिन सही बात ये है कि आवाम जो है वो सिर्फ एमपी साहब से ही नाराज नहीं थे, वो पूरा बीजेपी के पार्टी से नाराज थे, क्योंकि खासकर जो सिक्स शेड्यूल का जो इशू है उसको बीजेपी ने ही कई इलेक्शनों में अपने मैनिफेस्टो में रखा। बीजेपी के ही बहुत सारे लीडर जब लद्दाख आए उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हम आपको सिक्स शेड्यूल के अंदर आपको सेफ गार्ड देंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई उनके ऊपर वो नहीं किया, उनको सिरे से खारिज किया गया। इस वजह से पूरा बीजेपी पार्टी से लोग नाराज थे, यही वजह है कि बीजेपी लद्दाख में तीसरे नंबर पे जी। आपने बात की कि लद्दाख के अपने मुद्दे हैं और बहुत नाराज भी है लोगों में, तो ये नाराजगी क्यों है? देखिए 2019 में जब एस वेल जो जम्मू कश्मीर स्टेट थे वहाँ से लद्दाख को अलग करके एक यूटी में तब्दील किया, लद्दाख के तकरीबन 50% पॉपुलेशन ऐसे थे, 50% से भी थोड़ा ज्यादा लोग ऐसे थे जो यूटी नहीं चाहते थे पहले। अच्छा, यूटी के खिलाफ वो लोग करते थे वो लोग, लेकिन सोनम वांगचुक का उन्होंने स्वागत किया था जब यूटी, वही बोलो ना, वो है जो ले साइड से जो आवाम थे जो लीडरशिप थे वो उन्होंने हमेशा यूटी की डिमांड की है, लेकिन करगिल साइड से जो लोग है आवाम है करगिल की लीडरशिप है हमने हमेशा जो है यूटी के खिलाफ हमने हमेशा कहा था कि हम जम्मू कश्मीर स्टेट से हमें अलग नहीं करनी है। ओके, लेकिन अचानक यूटी बनाई गई तो उसके बाद 6 महीने साल भर में जिन्होंने डिमांड की थी जो लोग को यूटी चाहते थे उनको भी ये पता चला कि जिस यूटी की डिमांड उन्होंने की थी वो यूटी भी अभी हमें नहीं दिया गया, एक ऐसा यूटी दी गया जिसमें हमें देखने को कुछ नहीं है, खोखला यूटी है। 370 और 35 ए में हमें बहुत सारे सेफ गार्ड थे वो सारी चीजें खत्म हो गई, तो फिर लेह में भी फिर आवाज उठने लगी कि ये जो यूटी है इस यूटी में हमें जो हमें हम चाहते थे वो सारे चीजें नहीं है। फिर ले में जो है तमाम पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सब मिल के वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाए जिसका नाम एपेक्स ले एपेक्स बॉडी है। करगिल में भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और एपेक्स और केडीए दोनों मिल के फिर जो है ले और करगिल दोनों मिल के इन इश्यूज पे जो है वो एहतजाज भी हुई, अनशन पे बैठी, तो फिर सोना मांचू जी जुड़े इसमें तो अनशन हुई। साथ में ये होम मिनिस्ट्री से हमारी बातचीत भी का सिलसिला भी चलता रहा, लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो उम्मीद है कि ये जो टॉक्स है फिर से रिस्टोर हो, क्योंकि लद्दाख के आवाम बहुत अमन पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए जो है मसलों का हल हो। तो मतलब जो यूटी बनाकर जो वादा किया गया था तो आप ये मानते हैं कि वहाँ के लोगों के साथ धोखा किया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमसे हमारी लोकतंत्र हमसे छीने गए, जो जमहूरी निज़ाम में जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे थे वो चीज़ें ख़त्म हो गई, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमें डाला गया जहाँ पे हम महसूस करते हैं कि हम किसी गुलामी के अंदर में हम जी रहे हैं, वहाँ पे कोई आवामी सुनवाई कोई नहीं है। तो ये सारे चीज़ें हैं इसी को लेके पूरे लद्दाख के आवाम पिछले कई सालों से एहतजाज में हैं। तो अभी आपकी जो मेन डिमांड्स हैं वो क्या है? मेन हमने फोर फ्रंट एजेंडा पे हमने एपेक्स बॉडी और केडीए दोनों मिलके पिछले 4 साल से उस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, उसमें उस 4 पॉइंट एजेंडा में हमारा पहला जो है फर्स्ट ये है कि फुल फ्लेज स्टेट लद्दाख को बनाया जाए।
उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अंडर सिक्स शेड्यूल की हमने डिमांड की है, क्योंकि लद्दाख पूरा 99% जो है वहाँ ट्राइबल लोग बसते हैं, तो ट्राइबल लोगों के लिए ये हमारे संविधान में ये सिक्स शेड्यूल के अंदर उनको ये दिया हुआ है, प्रोविजन है, तो उसके हिसाब से हमने ये मांगी है। तीसरा, हमने हमारे लद्दाख के जो नौजवान हैं जो काफ़ी 2019 के बाद जब यूटी बने उसके बाद काफ़ी बेरोजगारी बढ़ी है, तो उनके लिए जो यूटी लेवल का रिक्रूटमेंट अभी तक कोई नहीं है, कोई गेजेट पोस्ट का अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं। अच्छा, पीएससी अभी लद्दाख को नहीं बनी है, तो पूरे जो जो सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ रिक्रूटमेंट हुए हैं उसमें वो भी छोटे पोस्टों के हैं, तो उनको फिर से रिस्टोर करके जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला है उसको शुरू किया जाए, वो चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हमारी ये है कि लद्दाख को एक एमपी अभी है, एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाए ताकि लेह के लिए अलग और करगिल के लिए, क्योंकि दो अलग एंटिटी है, लेह की अलग जरूरतें हैं, करगिल की अलग है, और एरिया वाइज लद्दाख जो है देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यूटी बनने के बाद वहाँ बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, लोग बाहर के लोग वहाँ होटल और दूसरे चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी कोई कंसर्न है आप लोगों का? यही है ना मेन, जो हमारे प्रोटेक्शन जो है, हमने हमारे जो सिक्स शेड्यूल की जो डिमांड हम कर रहे हैं वो यही है कि इसके अंदर जो प्रोटेक्शन है उससे हमारे ज़मीनों की प्रोटेक्शन हो जाएगी, ताकि बाहर से लोग आके जो है वहाँ पे न बच जाए, क्योंकि खदशा यही है कि लद्दाख एरिया वाइज बहुत बड़ा है बिल्कुल, लेकिन पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है जी। अगर 50,000 लाख लोग भी अगर आके वहाँ बसती है तो फिर हमें खदशा यही है कि हमारी लद्दाख का नाम तो रहेगा लेकिन लद्दाखी जो है वो मिट जाएगा वहाँ की, क्योंकि आपको पता है लद्दाख जो है कल्चरली बहुत रिच है जी। वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग बसते हैं, आप लद्दाख में आप द्रास से लेके अगर आप जाएं लेह तक, एक इलाके से निकल के दूसरे इलाके में जब पहुंचते हैं वहाँ आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, रहन सहन अलग देखने को मिलेगी, तो ये सारे चीज़ें ख़त्म होने का हमें खदशा है। हमारे एनवायरनमेंट लद्दाख जो है हिमालयन रेंज में सबसे एक इम्पोर्टेंट जगह है, बिल्कुल एनवायरनमेंट को हमें खदशा है, उसके लिए हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को लेके हम ये है, उनकी जो 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 नौकरियां हैं वो प्रोटेक्ट नहीं है, तो ये सारे चीज़ें हैं, तो इनको लेके अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल को लेके लद्दाख के आवाम बहुत ही सीरियस है और बहुत ही ये। तो इस मुद्दे पे आप जब राहुल गांधी से मिले तो कोई बात हुई, उन्होंने कुछ? बिल्कुल, राहुल जी के सामने हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जो लद्दाख पिछले 4-5 सालों में जो लद्दाखी जो है जिस एहतजाज पे हैं और किन चीज़ों को लेके एहतजाज पे है और क्या चाहते हैं लद्दाख, वो सारे चीज़ें हमने उनके सामने रखी हैं। खड़गे जी से भी हम मिले थे, उनके सामने भी रखी हैं, तो देखते हैं आगे, और इसी तरह हम जब गवर्नमेंट थोड़ा ये सेटल हो जाएगा तो हम उनके पास भी जाके लद्दाख के आवाम की जो फीलिंग है, उनका जो ये है, उनको सब रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि क्योंकि लद्दाख में इस बार जो इलेक्शन हुई, मैंने तो प्योरली यही लद्दाख का जो 4 पॉइंट एजेंडा है इसी के ऊपर हमने लोगों के पास हम गए, तो सिमिलरली कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो यही था जो मुद्दे हैं लद्दाख के, तो कुल मिला के अगर कांग्रेस और मेरा वोट शेयर अगर देखें तो लद्दाख के 80% आवाम ने ये बताया है कि जो जिस जो 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 जिस व्यवस्था में हमें डाला गया है हम उसमें संतुष्ट नहीं है, हम और चाहते हैं लद्दाख के लिए फुल स्टेट हो चाहते हैं आप। ये 4 पॉइंट एजेंडा जो है उसको इसके टोटली इसके लिए मैंडेट लोगों ने दिया है, एक कस्म का एक रेफरेंडम है बिल्कुल, क्योंकि यूटी बनने के बाद पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है ये था, तो लोगों ने अपनी नाराजगी जो है एक वोट के जरिए दिखाया है, तो मुझे उम्मीद से यकीन है कि जो गवर्नमेंट में जो हमारे बैठे जो हमारे अरबाब अख्तियार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, ये लोग भी समझेंगे कि लद्दाख के आवाम क्या चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है जब मैं उनके पास जाऊंगा वो इस पर जो है गौर करेंगे। लद्दाख को लेकर के एक और अहम मसला है, और वो मसला है सिक्योरिटी का, बॉर्डर सिक्योरिटी का।
खबरें आती है कि लद्दाख के इलाके में चीनी घुसपैठ हो रखी है। सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है, मोदी जी ने कहा था कि न कोई घुसा है, न कोई घुसा था, न कोई घुसा है। तो इसको लेकर आप, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, LIC के ऊपर खासकर हमारे जो 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 पेंगोंग, ये पेंगोंग लेक साइड में या चांथा साइड में पिछले कई सालों से ये कोई चोरी छुपे नहीं है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, हो रहा है। और इस पे मैं ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे देश का सिक्योरिटी का सवाल है, जब तक मेरे पास फुल इंफॉर्मेशन और ग्राउंड लेवल पे जाके वहाँ पे हालात देख के, जब तक मेरे पास ठोस कोई ये नहीं होगा, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, क्योंकि बीइंग ए लद्दाखी पिछले 4-5 सालों से, क्योंकि पॉलिटिक्स में हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ, तो जो बॉर्डर एरिया के हमारे चंथा सेट के जो लोग हैं वो ज़रूर परेशान हैं। उनके जो इलाका है, उनकी ज़मीन है, वहाँ पे काफ़ी हद तक चाइनीज जो आर्मी है उनका ये है। तो इस लिहाज से इतना तो ये है कि चाइनीज जो फौज है वो अंदर आए हैं, लेकिन कितना आए हैं, क्या है, वो सारी चीजें तफसीलन जो है अभी हम, तो ये चलिए, आप लोकल हैं, लोकल लोगों से आपका कनेक्ट है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ज्यादा कंक्रीट होगी। बिल्कुल, लेकिन इस पे ज्यादा अभी बोलने का मेरा ये नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये देश का जो सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे जवान, हमारे फौज है, उनका जो मॉरल, उसका सवाल है। जब तक, क्योंकि इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए मैं पहुँच नहीं पाया उस एरिया में, तो इंशाल्लाह जब फुर्सत मिलेंगे, पूरे लद्दाख का मैंने गांव-गांव दौरा करना है, तो अब मैं BMP मेरे ऊपर फर्ज भी बनता है कि हमारे अपने बॉर्डर के एरिया से उनका भी ग्राउंड रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे, तो सही तरीके से जो 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 प्रैक्टिकल जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं, मैं क्योंकि उसको बढ़ाना चढ़ाना उस चीज पे मैं कभी पॉलिटिक्स या सियासत नहीं करूंगा। जो चीजें ग्राउंड लेवल पे है वो उनको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं लोगों के सामने। पेंगोंग सो में भी कंस्ट्रक्शन को लेकर काफी कंसर्न्स है, मैं वहाँ खुद गया हूँ, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? लद्दाख में, खुसूसन लेह में लोगों का यही खदशा है कि वहाँ के जो ज़मीन है, वहाँ के जो खासकर टूरिज्म सेक्टर में जो है बाहर के लोगों का नज़र है। हम क्योंकि एनवायरनमेंट टली भी और वहाँ के पॉपुलेशन भी कम है और इकोनॉमी भी लद्दाख के लोगों का उतना ये नहीं है। हम चाहते हैं जो भी वहाँ पे बिजनेस करे, जो भी वहाँ पे ये बनाए, वो वहाँ के लोकल बनाए, वहाँ के लोकल के हिसाब से बनाए। तो इसीलिए हम जो प्रोटेक्शन जो मांग रहे हैं वो यही चीज़ें हैं कि खदशात हैं कि मैंने पहले कहा कि हमको यही खदशात है कि कहीं लद्दाख का नाम तो रहेगा लेकिन लद्दाखी कल्चर, लद्दाखी लोग वहाँ से मिट जाए। सोनम वांगचुक जो जिनको सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि मैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मैं फाउंडर मेम्बर हूँ और मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी वहाँ पे काम किया है। और ये पूरा जितने भी 4-5 सालों में हमारी जो 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 एहतजाज हुए हैं, जो टॉक्स हुए हैं, उन सारे चीज़ों में हमने ये किया है। सोनम वांगचुक जी जो है एपेक्स और KDA के इस 4-point एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए वो जुड़ गए, और जो 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 एहतजाज जो हमारे चल रहे थे उसमें और शिद्दत तब आया जब सोनम वांगचुक जी इसमें जुड़ के फिर उन्होंने अनशन का प्रोग्राम बनाया। पहले कड़ाके के सर्दी में उन्होंने अनशन पे बैठे, लास्ट ईयर 21 दिन का जो अनशन उन्होंने बैठे उसमें यही बात है कि अफसोस की बात यह है कि जो जो गवर्नमेंट है, जो खुसूसन जो MP साहब थे और जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है, कभी भी आके उनका हालात नहीं जाना, क्योंकि 21 दिन बिना खाए पिए बैठ के और आखिरी दिनों में उसका सेहत भी काफ़ी बिगड़ गया था। लेकिन कभी भी, क्योंकि मैं समझता हूँ आज लद्दाख में जो LG है और ये पूरा लद्दाखी जो है एक तरीके से उनका फैमिली है,
तो उनकी फैमिली में से एक एक कुछ लोग जो है वो अनशन पे बैठे हैं, परेशान हैं, कुछ बोलने की चाहत रखते हैं, लेकिन छोड़ो मुद्दे क्या है उन पे तो बात मत करो, लेकिन कम से कम सुनना चाहिए आपका हालात क्या है, आपका सेहत क्या है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से एक मेडिकल टीम भी उनके पास नहीं भेजा गया। उदासीनता दिखाई, यही वजह था कि जो जो इलेक्शन में जो लोग नाराज हुए हैं तो ऐसे चीजों पे नाराज हुए। एक और चीज अहम है कि जो लद्दाख है वो बहुत ही खूबसूरत इलाका है और एडवेंचरस भी है, तो वहाँ की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, तो एक तरफ टूरिज्म है, दूसरी तरफ एनक्रोचमेंट है, जो बाहरी लोग वहाँ टूरिज्म के नाम पे वहाँ कब्जा कर रहे हैं, तो दोनों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात आपका ये है, सही बात है कि क्योंकि हमें हम अपने एनवायरनमेंट को लेके भी बहुत ही कंसर्न है, बहुत ही ये है क्योंकि एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और दूसरा जो हमारे ग्लेशियर्स है, क्योंकि लद्दाख हिमालयन रेंज का एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ पे ग्लेशियर्स है, वहाँ पे ये सारे चीज़ें ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है काफ़ी सुकड़ रहे हैं। वहाँ पे लद्दाख में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ड्राउट का ये शुरू हुआ है, जहाँ पे पानी के कमी अभी महसूस करने लगे हैं, शुरुआत हुए हैं, तो हमारे लिए ये चैलेंजिंग है कि एक तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भी हमने बरकरार रखना है और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बरकरार रखते हुए एनवायरनमेंट को भी बचाना है। इसीलिए सोना महोत्सव जी एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं और खुसूसन जो 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 टूरिस्ट खास अभी तो लद्दाख में ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आती हैं, अपने देश के लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए, तो उनसे भी वो भी गुजारिश करते हैं, हम लोग भी गुजारिश करते हैं कि जब आप लद्दाख आए तो आपके जो रहन सहन जो आप वहाँ पे बैठते हैं उस वक्त एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते हुए जो है वहाँ पे बैठे, तो इन सारे और दूसरा जो इंकरेजमेंट का जो मसला है, ये सारे चीज़ें हैं, इनको हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग भी लद्दाख आए, लेकिन वहाँ के लोग हैं उनके हिसाब से जो है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, वहाँ के टैलेंट बहुत ये है, टोपोग्राफी आपने लद्दाख का देखा होगा, तो उस उन चीज़ों को ख्याल रखते हुए मेंटेन रखते हुए जो है हम देश के लोगों का भी स्वागत करते हैं, मगर जो वहाँ के लोग हैं उनके हिसाब से रहें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी जो मांगे हैं लद्दाख को लेकर उन मांगों पर आगे बढ़ेगी, आपसे संवाद करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में हम किसी और खास मेहमान के साथ बात करेंगे, तब तक आप देखते रहिए द डेमोक्रेटिक मिरर।